वेलकम बैक टू माई चैनल एक्सप्लोर विद अलका। और आज हम एक बार फिर से आ गए हैं दादर में, क्योंकि दादर में जो है महाराष्ट्रियन फूड एकदम भर भर के मिलेगा आपको। और आपको पता है कि मुझे महाराष्ट्रियन फूड कितना पसंद है। तो आज हम जहाँ पे जा रहे हैं, एकदम सिंपल महाराष्ट्रियन खाना मिलता है, बजट में मिलता है, उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा रीजनेबल है कि आपको यकीन नहीं होगा। और एकदम सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, मगर ऑथेंटिक। चलते हैं अंदर। तो यह है न्यू श्री कृष्ण भोजनालय। इसकी लोकेशन आपको पहले बता देती हूँ, ये मेरे लेफ्ट साइड पे है नक्षत्र मॉल, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट ये शक्ति स्टोर्स जो है इसके पास में इसकी एंट्री है। तो यहाँ से आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो तो आपको वहाँ न्यू श्री कृष्ण भोजनालय मिलता है, जो एसी डाइनिंग हॉल है। और एसी के हिसाब से भी इसकी कीमत काफ़ी कम है। लेके चलती हूँ अंदर आपको और दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है और कौन सी चीज़ें अच्छी है। आइए। नमस्ते। 1937 में न्यू श्री कृष्ण भोजनालय इस्टेब्लिश हुआ। यहाँ पे रेस्टोरेंट है और अलग साइड में लॉजिंग है। और विष्णु वामन गोखले जी ने इसका संस्थापक है। और हमारे यहाँ पे महाराष्ट्रियन स्पेशलिटी है, महाराष्ट्रियन थाली रहता है। तो ये प्लेन राइस है, ये झुमका बोलते हैं, बेसन और कांदे का बना था, ड्राई होता है, वो थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी होता है। और झुमका इतना येलो रहता है, झुमका रेड रहता है, रेड चिली पाउडर यूज। और ये महाराष्ट्रियन स्पेशलिटी है भरली वांगी स्टफ बैंगन। हाँ, ये भी एक स्पेशलिटी है अपना, डालिंबी उसल बोलते हैं उसको। अच्छा, वाल का वो वाला चा बेड़ा ये रहता है। अच्छा। और ये अमटी बोलते हैं उसको, प्लेन ये अपना दाल रहता है ना। हाँ, हाँ, तुअर दाल का। अच्छा, ये रहता है। और यहाँ पे दाल फ्राई है। अच्छा, पंजाबी थाली के लिए। ओके। हाँ, बाकी पंजाबी सब्जी यहाँ पे रहते है। आज वो पनीर टिक्का मसाला है। अच्छा, पनीर टिक्का मसाला। हाँ, तो रोज आपका मेन्यू मेन्यू अलग रहता है। अच्छा। और ये दम आलू का सब्जी है। ओके। सो दो सब्जी पंजाबी थाली के लिए। हाँ। सो मेन्यू आपका मराठी थाली हो या पंजाबी हो, डेली चेंज हो? डेली चेंज ही, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे। न्यू श्री कृष्ण भोजनालय पॉपुलर है 80 सालों से अपने महाराष्ट्र ऑथेंटिक क्यूजीन के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र थाली ले ली है। और इस महाराष्ट्र थाली में आती है 3 चपातीस, वेज राइस, 2 सब्जियाँ, आमटी एंड गुलाब जामुन, साथ में पापड़, अचार एंड कांदा भी। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं ये भरली वांगी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डिलीशियस। मुझे ना वैसे भी महाराष्ट्र प्रेपरेशन में ना भरली वांगी मसाले भात, 2-3 चीज़ें ऐसी ना जो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाली भी बहुत बढ़िया बनी है। दिस इज सिंपल होम स्टाइल फूड। जब आप चाहते हो अगर सिंपल होम स्टाइल खाना खाना, तो ये खाना आपके लिए। थाली का प्राइस और सारे डिटेल्स भी आपको बताऊँगी, आगे का मेन्यू भी बताऊँगी। पहले ये वाला सा बिल्डर ट्राई करते हैं। लिटरली मेरे मुँह में बहुत पानी आ रहा है, जो खुशबू आ रही है ना, ये भरली वांगी और ये वाला सा बिल्डर, जो है ना घर में जब खाना बनता है तो कैसी खुशबू आती है, वैसी वाली खुशबू यहाँ पे आ रही है। ये है ना महाराष्ट्र का बहुत ही फेवरेट डिश होता है, डाळिंबी बोलते हैं इसको। तो ये बहुत अच्छे से कुक हो गया, एकदम ऐसे हाथ लगाते हुए टूट रहा है। टेस्ट काफी अच्छा है। सो नाउ आई नो व्हाई इट इज सो पॉपुलर अमंग महाराष्ट्रियंस। जो चपाती है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट बनाई है। खास बात ये है ना कि घर पे जैसे हम है ना गैस स्टोव के ऊपर तवा रख के चपाती सेकते हैं ना, वैसे ही ये सेकी गई है। सो बहुत ही बढ़िया है, प्लेन चपाती है, इसमें कुछ ऑयल वगैरह कुछ भी लगाया नहीं है। नाउ आमटी भात, विच इज आइडियली दाल चावल। सो महाराष्ट्र में आमटी बोला जाता है दाल को, तो तुअर की दाल होती है ये, और प्लेन राइस के साथ में ही इसे एंजॉय करते हैं। दिस इज ऑल्सो सो यमी। मैम एकदम सिंपल खाना, बहुत ही यमी, आपकी हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं होगा, पेट भी नहीं खराब होगा, पेट भर के खा सकते हो। दिस लिमिटेड महाराष्ट्र थाली कम्स फॉर अ प्राइस ऑफ ₹170। इसमें मिनी थाली का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाता है, जहां आप एक सब्जी जो उस दिन मेन्यू में बनी हो, क्योंकि मेन्यू डेली चेंज होता है,
सो एनी वन सब्जी अलॉन्ग विथ आंटी भात यानी कि दाल चावल एंड टू चपातीज आपको मिल जाएंगी. तो अगर आप यू नो आपका डाइट लिमिटेड है या आपको ज़्यादा नहीं खाना है तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो. सो स्वीट में है ये गुलाब जामुन. आइडियली आप देखो ना थालीज में मोस्टली गुलाब जामुन ही सर्व किया जाता है. इलायची की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, सॉफ्ट है इनसाइड से, ऊपर से प्रॉपरली कुक्ड है जो उसका कलर है ना, और अंदर से भी ना एकदम प्रॉपरली कुक्ड है, एकदम जूसी गुलाब जामुन है, हल्का सा मीठे की तरफ है बट बहुत ही यमी है. महाराष्ट्र थाली खत्म करती हूँ, फिर और भी कुछ यहाँ पे महाराष्ट्र ऑथेंटिक चीजें हैं वो भी आपको दिखाऊंगी. मैंने झुनका फकर खाया, बहुत अच्छा आता है यहाँ का, डेली आता हूँ यहाँ. पंजाबी कोम्बो, पंजाबी थाली, मिनी थाली, महाराष्ट्र थाली सब खाया. सो ये है झुनका भाकर थाली. दो भाकरी आती है इसमें ज्वारी की. तो भाकरी मीन्स यूजुअली महाराष्ट्र में ना अलग अलग तरह के ग्रेन्स का आटा बना के उसकी थिक रोटी बनाई जाती है, इसको भाकरी बोला जाता है. सो ये है ज्वारी की भाकरी और ये तो एक्चुअली डेली ऑलमोस्ट ऑल महाराष्ट्र अपने घर पे बनाते हैं. जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे वो भाकरी बनाते हैं. और यहाँ पे आज मैंने एक चीज़ ली है जो ज़्यादा हमने अपने वीडियोस में नहीं खाई है. मोस्टली हम लोग को हर जगह पे पिटला भाकरी खाने के लिए मिलती है. जो पिटला होता है बेसन से बनाया जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रहती है. दिस इज झुनका, ये भी बेसन से बनाया जाता है बट इसकी जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो थिक होती है. काफ़ी सारा इसमें हरा धनिया डाला हुआ है, आई कैन सी चॉप्ड अनियंस टू. और जो इसका कलर है ना आप देखोगे तो रेड होता है, अनलाइक यू नो पिटला जिसका कलर की येलो होता है. इसमें जो खुशबू आ रही है ना धनिया की वो बहुत ही बढ़िया आ रही है. और ये जो कांदा है ना उसके जो पीसेस आ रहे हैं जो चॉप किया हुआ उसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया, हल्का सा कच्चापन है तो वो बाइट में आ रहा है ना मुँह में बहुत ही यम्मी लग रहा है. कुछ भी बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, सब कुछ मीडियम स्पाइसी है. दिस इज़ रियली रियली गुड. और साथ में इन्होंने ये कांदा अचार और ये मिर्ची का ठेचा भी सर्व किया है. सो यूजुअली ये पितला भाकरी झुनका भाकरी के साथ में ठेचा दिया जाता है जो बहुत तीखा होता है. तो हरी मिर्च से बनाया जाता है, ये लहसुन होता है इसमें. ठीक बढ़िया यही अच्छा ही है खाना, ऐसा कोई, लेकिन हमें ज़्यादातर नॉनवेज खाने की आदत है तो फिर भी हमारे से बहुत अच्छा लगा. महाराष्ट्र स्नैक्स में आलू वड़ी, बटाटा वड़ा, कांदा भजिया, बटाटा भजिया, भजिया के अलग अलग टाइप्स, मतलब घोसाली भजी रहती. तो ऑथेंटिक महाराष्ट्र यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आ गई है, जब आप बोलो ना वर्ड महाराष्ट्र तो इन चीजों का नाम जरूर वीडियो में होना ही चाहिए. सो दिस इज आलू वड़ी. जैसे मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया आपको कि आलू वड़ी है ना अरबी के पत्तों से बनाई जाती है. तो आप ये देख सकते हो ऊपर ये अरबी के पत्तों का लेयर दिखाई दे रहा है, अंदर ये कुछ बेसन से मसाला बनाया जाता है, एकदम थिक बैटर होता है, उसको स्प्रेड किया जाता है, फिर इसको स्टीम किया जाता है एंड देन फ्राई किया जाता है. तो बहुत ही गर्म बढ़िया एकदम अच्छी सी फ्राई हुई आलू वड़ी है ये. ये देखिए पत्ते दिखाई दे रहे हैं इसमें और इसके साथ में वही ठेचा इन्होंने सर्व किया हुआ है. दिस इज सुपर्ब, बहुत ही यमी है, परफेक्टली फ्राइड, एकदम क्रिस्प है. जो पत्ते हैं ना बीच बीच में जो लेयर्स के बीच में एकदम क्रिस्प आ रहे हैं मुँह में. और ये जो मसाला है ना बेसन का परफेक्ट, नॉट टू स्पाइसी, ना फीका ना तीखा, बैलेंस्ड. अभी ट्राई करते हैं ये कांदे का भजिया. सो ये भी देखने से काफ़ी क्रिस्पी पता चल रहा है मुझे. अंदर चॉपकी हुई हरी मिर्चें हैं एंड प्याज के एकदम थिन स्लाइसेस है और साथ में सर्व किया हुआ है ये जो रेड चटनी पाउडर होता है ना जो बटाटे वड़े के साथ मुंबई में सर्व किया जाता है. जैसे दिख रहा था वैसे ही ऊपर से एकदम क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट यमी, बट आलू वड़ी वाज अ सुपर सुपर हिट. बटाटा वड़ा देखते हैं कैसा. सो बटाटे वड़े की साइज काफ़ी अच्छी है, बड़ी है एंड वाओ इतना सारा हरा धनिया इसमें डाला है ना, दूर से ही मुझे खुशबू आ रही है हरे धनिए की. आई कैन सी दिस उड़द की दाल का तड़का है, राई है इसमें, बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है. अदरक लहसुन भी इसमें डाला हुआ है. तो दूर से ही ना मुझे बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें, ऑल मिक्स्ड खुशबू है ना, हरा धनिया, अदरक लहसुन, क्या मैं आपको अलग अलग बताऊँ, पूरे बटाटे वड़े की खुशबू एकदम मस्त आ रही है. एब्सोल्यूट मस्ट ट्राई. सो आलू वड़ी और बटाटा वड़ा दोनों ही टक्कर के बने, बहुत ही अमेजिंग है.
जैसे मैंने बोला आपको साइज काफ़ी अच्छी है बटाटे वड़े की, ऊपर का कवर क्रिस्प है और आप देखोगे ना तो ये जो बेसन का कवर है ना ये पतला कवर है, ऐसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। अगर थिक होता है ना तो बेसन मुँह में कच्चा कच्चा सा आता है, ये वैसा नहीं आ रहा है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है इसका। सोलकड़ी रहता है हमारे बेवरेजेस में, वो कम शरबत है। तो ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन खाना आपको जहाँ भी मिलता है वहाँ पे मोस्टली आपको सोलकड़ी भी मिलती है, तो ये भी मैंने मंगवा ली है। दम चिलिंग है, रिफ्रेशिंग है ये। नारियल के दूध एंड कोकम से बनाई जाती है तो वो कोकम का बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ रहा है। कुछ स्पाइस पाउडर्स है इसके अंदर, आई थिंक देयर इज अ जीरा पाउडर एंड यू नो हल्का सा एक हिंट आ रहा है उसका, रियली गुड। इसके बाद मैं आपको ऐसी चीज़ के साथ मिलूंगी जो ऑथेंटिक महाराष्ट्रन तो नहीं है बट फिर भी न्यू श्री कृष्ण भोजनालय में अवेलेबल है। भरलेलं वांग, दोन चपात्या, भात, आणखीन एक डाळिंबाची भाजी, डाळ, पापड, लोणचं, सगळं म्हणजे महाराष्ट्रीयन फूड याच्यामध्ये असतं ते सगळं। पंजाबी थालीज भी है, जो नॉन महाराष्ट्रीयन रहते हैं उनको भी ऑप्शन रखा है। पंजाबी थाली में पनीर मटर, पनीर टिक्का मसाला, पनीर मसाला रहता है, पनीर मक्खन वाला, वेज मक्खन वाला, भिंडी फ्राई, मतलब डेली एक पनीर की डिश, डेली एक पनीर की डिश और एक अलग सब्जी। सो नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बोला था कि नॉट महाराष्ट्रियन बट स्टिल वेरी पॉपुलर यहाँ पे, तो दिस इज पंजाबी थाली। सो दादर में जो न्यू श्री कृष्ण भोजनालय है ना, इनका खाना तो पॉपुलर है ही, मतलब सिंपल ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड के नाम से। एंड यहाँ पे लॉजिंग एंड बोर्डिंग भी है, तो डॉमेट्री है यहाँ पे अप टू 50 पीपल दे कैन अकोमोडेट, एंड पर डे का जो इनका चार्जेस है दैट इज़ 500 पर नाइट। सो मोस्टली यहाँ पे जो कैंसर पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट के लिए या बिजनेस के लिए लोग आते हैं, या अभी जैसे गणेश फेस्टिवल में लोग आए थे दर्शन के लिए, तो दादर जैसे हब है मुंबई में इन सारी चीज़ों का, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आके डॉमेट्री में भी रुकते हैं। सो अभी आगे चलते हैं वीडियो में और एंजॉय करते हैं अपनी पंजाबी थाली। सो जैसे इसका नाम है पंजाबी थाली तो इसमें मेन्यू भी पंजाबी है। सो दिस इज़ पनीर टिक्का मसाला। तो ऑथेंटिक तो नहीं बट सब्जी अच्छी बनी है ये। इसके साथ में यहाँ पे ये दम आलू भी सर्व किया हुआ है विच इज़ अ सेकेंड सब्जी। सो आलू अंदर तक पक चुके हैं। डेली एक पनीर की सब्जी होती है और एक दूसरी अलग सब्जी होती है। इसकी ग्रेवी अच्छी बनी हुई है, साथ में दही दिया हुआ है और जो चावल दिए है ना पुलाव है, इसमें हरी मटर है, फ्रेंच बीन्स है, गाजर है, दाल फ्राई सर्व की हुई है साथ में, अनंत पापड़ अचार, वही सारा कुछ विद 3 चपातीज। आई प्रेफर द महाराष्ट्रियन थाली मोर दैन दिस पंजाबी थाली, रियली गुड। और यहाँ पे आप कोई भी महाराष्ट्र वाली डिशेस खा लो ना, दैट ट्रूली अमेजिंग। स्वीट में श्रीखंड है, वो मिसेस मेरी घर पे बनाती है। अच्छा। हाँ, और खरबूज भी बनाते हैं हम लोग। ओके। उकड़ी से मोदक रहता है एवरीडे। लोकेशन है दादर वेस्ट में रानेड़ा रोड पे अपोजिट नक्षत्र मॉल, फर्स्ट फ्लोर पे। और टाइमिंग मंडे टू संडे मॉर्निंग 11 to 3:30 और इवनिंग में 7 to 10:30। ओके। संडे इवनिंग क्लोज रहता है। हम लोग 80 साल से रेस्टोरेंट चला रहे हैं, महाराष्ट्रियन स्पेशलिटी है हमारा। और जो यहाँ पे खाने में जो मसाले यूज होते हैं वो हम लोग यहाँ पे ही बनाते हैं। मैं दर्शकों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे भोजनालय में जरूर आइए और हमारे व्यंजनों का स्वाद लीजिए। बहुत ही अच्छा, सिंपल और बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मम्मी पापा लेके आती है। अभी इधर आ गए दादर में, एक सब्जी है, दाल है, राइस है। अच्छा। और उकड़ी चे मोदक एक ऐसी चीज़ है जो ऑथेंटिक महाराष्ट्र जहाँ भी आप बोलो तो वहाँ पे ये तो मिलनी बहुत ज़रूरी है। इतना पसंद करते हैं लोग उकड़ी चे मोदक को, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी जैसे गणपति फेस्टिवल गया तो इसमें तो ये हर जगह पे हर महाराष्ट्र हाउस होल्ड में बनाया जाता है। सो यहाँ एक प्लेट में 4 पीस मिलते हैं उकड़ी चे मोदक के। तो ये ऊपर है नहीं, चावल के आटे का कवर होता है जिसमें स्टफिंग डाल के इसको स्टीम किया जाता है। और ये जो स्टफिंग है ना ये नारियल गुड़ की होती है और इलायची की भी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें। वैसे भी मुझे महाराष्ट्रियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ महाराष्ट्रियन क्यूजीन। अलग अलग रीजनल जो भी आप बोलो सारे पसंद है मुझे। और मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ महाराष्ट्रियन फूड के दिखेंगे, सबसे ज़्यादा एक्चुअली यही वीडियोज़ आपको दिखेंगे। एंड आपने आज का वीडियो एंजॉय किया है कि नहीं, सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी चीज़ लगी है वो मुझे कमेंट्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इंडियन रीजनल फूड देखने के लिए।
जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो।